नमस्कार, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। राकेश टिकैत को कौन नहीं जानता है? उनका परिचय देने के लिए मुझे नहीं लगता किसी परिचय की जरूरत है, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं वो राकेश टिकैत को बाखूबी तरीके से जानते हैं। किसानों के मसीहा कहे गए और आंदोलन के सबसे बड़े जो है हुक्मरान कहे गए। लेकिन इन दिनों देश में अडानी का मामला चल रहा है और इस वक्त भले ही मैं बोल रहा हूं लेकिन मेरे से ज्यादा ज्ञान मेरे सहयोगी कैमरामैन को है, लेकिन वो बोल नहीं पा, मतलब बोलेंगे नहीं, मतलब क्योंकि वो हमारे कैमरे के पीछे हैं। लेकिन उनसे एक चीज मैंने सीखा कि जो छोटे छोटे निवेशक हैं, देखिए उनके लिए मुसीबत है। और यही बात राहुल गांधी ने भी कहा था कि रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, खास करके अडानी के समूह में, अडानी ग्रुप में। और राहुल गांधी ने क्या वजह थे, ये वीडियो वायरल भी हुआ था और वही बात अब राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं, इसीलिए मैंने दरअसल पूरा घुमा के आपको बताया। अब राकेश टिकैत क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको आसानी से लोन मिल जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे किसान हैं उनको लोन नहीं मिलते, इसी वजह से वो तरक्की नहीं कर पाते। और उन्होंने वजह उद्योगपति का भी नाम लिया। तो अडानी का मामला चल ही रहा है, किसान वैसे ही परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं, उनका कोई आंकड़ा नहीं, मोदी सरकार के पास वैसे भी आंकड़े नहीं है कि देश में बेरोजगारी या फिर लोग आत्महत्या कितने कर रहे हैं, नौजवान कितने आत्महत्या कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आज 2014 के बाद से, आप पहले भी रहा होगा लेकिन अब ज्यादा हो गई है, कि आज का युवा, आज का यूथ अच्छा खासा पढ़ लिख कर इंजीनियर या फिर MBA कर जो है आज 10 से 15 से 20 हजार की नौकरी कमाने के लिए नाक रगड़ रहा है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। जहां लोग नौकरी कर रहे हैं डर के मारे कर रहे हैं, मुंह से बोलने में भी उनकी हालत खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि कब उन्हें निकाल दिया जाएगा कोई नहीं जानता। और इसका फायदा उठाते हैं खास करके बॉस साहब। तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मोदी राज में ये तमाम चीजें हो रही हैं, ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि राकेश टिकैत भी कह रहे हैं, क्योंकि आज के नौजवान को लोन तो मिलेगा नहीं, लोन मिलेगा तो उनका कागजात घरे से उठा के ले जाया जाएगा। ये इसी वजह से राकेश टिकैत ये आवाज उठा रहा है। कब राकेश टिकैत गिरफ्तार हो जाएंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि वो भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे। बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि दरअसल अब जो राकेश टिकैत कह रहे हैं, क्या इस पर मोदी सरकार का कोई बयान आएगा, क्या उनके नेताओं का कोई बयान आएगा कि भैया बड़े बड़े लोगों को, उद्योगपति को तो लोन दे देते हैं, कम से कम युवाओं को, गरीब लोगों को या फिर किसानों को कम से कम दे दीजिए, जिससे देश का आन बान शान बचा हुआ है। क्योंकि मोदी जी के पास इतना हिम्मत नहीं है कि देश को बचा पाएंगे, ये इन किसानों की वजह से ही हमारा आज सुकून से खा रहे हैं ना। तो आप देख रहे हैं पड़ोसी देश या तमाम देशों का क्या हालात बने कोरोना के बाद। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते हैं SPN 9 न्यूज। नमस्कार।